खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। बस 32 दिन और बाकी चुनाव नतीजों में और चुनावी घमासान में नेता इमोशनल कार्ड भी खूब खेल रहे हैं। अपने बेटे को राजनीति में लाने के लिए और चुनाव लड़ाने के लिए बीरेंद्र सिंह ने खुद राजनीति से वीआरएस ले लिया। वहीं यूपी के धौरहरा से कांग्रेस के उम्मीदवार जितिन प्रसाद चुनाव के मैदान में कह रहे हैं कि अगर इस बार जनता ने नहीं जिताया तो संन्यास ले लेंगे। तो चुनावी मैदान में नेता हर हथकंडा अपना रहे हैं और इमोशनल कार्ड का भी खूब इस्तेमाल कर रहे हैं। बीरेंद्र सिंह ने बेटे के लिए राजनीति से वीआरएस ले लिया। वहीं जितिन प्रसाद जनता के सामने ये कह रहे हैं कि अगर इस बार नहीं जिताया तो मैं संन्यास ले लूंगा। लेकिन सबसे पहले बात मोदी सरकार में मंत्री रहे बीरेंद्र सिंह की, जिन्होंने बेटे को चुनाव लड़ाने के लिए खुद राजनीति से वीआरएस ले लिया। चौधरी बीरेंद्र सिंह के बेटे बृजेंद्र सिंह आईएएस अधिकारी थे, लेकिन उन्होंने भी चुनाव लड़ने के लिए नौकरी से वीआरएस ले लिया। बृजेंद्र सिंह हिसार से चुनाव लड़ रहे हैं। बृजेंद्र राजीव गांधी के क्लासमेट रहे हैं और 2032 में वो रिटायर होने वाले थे, लेकिन वीआरएस ले लिया नौकरी से और चुनावी मैदान में इस बार उतरे हैं। हिसार से चुनावी मैदान में हैं। 2032 में उन्हें रिटायर होना था, लेकिन नौकरी से वीआरएस ले लिया। वहीं उनके पिता चौधरी बीरेंद्र सिंह ने राजनीति से ही वीआरएस ले लिया ताकि बेटे को राजनीति में ला सके। चौधरी चरण सिंह जी अमर रहे। तो 2014 में जींद से जीते थे चौधरी बीरेंद्र सिंह और राजनीति से संन्यास ले लिया, बेटे को राजनीति में एंट्री दिलाई और उनके बेटे खुद आईएएस अफसर हैं जिन्होंने वीआरएस ले लिया। बृजेंद्र सिंह को ये कहता हूं कि राजनीति में कष्ट भी आते हैं, रुपए पैसे की भी तंगी आती है, मैंने भी भुगती हुई है, लेकिन कभी राजनीति के अंदर बेईमानी मत करना, ये मेरा संदेश है। प्रधानमंत्री जी का, पार्टी अध्यक्ष श्री अमित शाह जी का, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा, इस लायक समझा कि मुझे इतना महत्वपूर्ण दायित्व सौंपा कि हिसार की लोकसभा सीट के लिए मुझे भाजपा का प्रत्याशी बना के भेजा, उसका नाम के लिए बहुत बहुत आभारी हूँ। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि इस राजनीति में जब मेरा पहला कदम रखा जाएगा तो उसकी इतनी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो उसके लिए जो मेरे पिताजी ने जो अपने इस्तीफों की पेशकश की है मंत्रिमंडल से भी और राज्यसभा की, उसके लिए मैं उसका सम्मान भी करता हूं, लेकिन जैसे मैंने कहा एक बहुत भारी कीमत है जो चुकानी पड़ रही है और जिस वजह से जो जिम्मेवारी मेरे ऊपर है वो बहुत ज्यादा है। अगर चल रहे होते साथ साथ तो एक अलग कहानी थी, लेकिन अब क्योंकि एक उसमें ब्रेक आने की संभावना है तो जिम्मेवारी मैं समझ सकता हूँ कि कितनी भारी जिम्मेवारी मेरे कंधों पर डाली जा रही है। तो बेटे के लिए पिता ने लिया राजनीति से वीआरएस और अब बात यूपी के धौरहरा से कांग्रेस के उम्मीदवार पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद की। चुनाव के मैदान में जितिन प्रसाद भी इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं। जितिन ने एक चुनावी सभा में जनता से कहा कि 2009 में आप लोगों ने मुझे जिताया, लेकिन 2014 में हम हार गए, अगर आप 2019 में हमें नहीं जिताते हैं तो मैं संन्यास ले लूंगा। 6 मई को मतदान है धौरहरा में, जितिन प्रसाद मैदान में है कांग्रेस की तरफ से और वो भी इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं। 2009 में आपने जितवा दिया हमने और 2014 में हम हार गए, अब 2019 है। अगर 2019 में जितिन प्रसाद को सफलता नहीं मिली ना तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा, हमारी राजनीति समाप्त हो जाएगी, मेरा ये शेष छूट जाएगा, मैं आपसे दूर चले जाऊंगा, बड़े भारी मन से जाऊंगा, मगर जनादेश तो यही होगा।